Hello students, welcome to getlectures.com. I am Puspanja Kasyap, lecturer of Mechanical Engineering. In this lecture, we will see the concept of bending couple and the concept of pure axial loading. Okay, let's start. First, bending couple. What is bending couple? Question aata hai. Bending couple. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्विस्टिंग कपल के बारे में देखा था कि ट्विस्टिंग कपल कपल के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कपल इज अ फ्री वेक्टर. ओके, जैसे मूवमेंट क्या होती है, फोर्स के कारण किसी भी पॉइंट पर मूवमेंट डिपेंड्स, मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. जिस पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट ले रहे हैं तो फोर्स, अगर पॉइंट लोड लगी हुई है, कोई भी सियर लोड है या कोई भी लोड है, तो वर्टिकल सियर लोड की अगर बात करते हैं किसी भी बीम पे, तो वो जो मूवमेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मेंबर होती है. मतलब कि उस पॉइंट से जितना दूरी इंक्रीज होते जाएगा मोमेंट की वैल्यू उतनी इंक्रीज होते जाएगी. बट कपल इज अ फ्री वेक्टर, दोनों का यूनिट सेम होता है न्यूटन मीटर. तो कपल जो होती है आप किसी भी पॉइंट से देखो वो कॉन्स्टेंट मोमेंट होती है. ओके, तो ट्विस्टिंग कपल हमने देखा था टू इक्वल एंड अपोजिट सियर लोड के कारण होती है ट्विस्टिंग कपल. लेकिन जब बेंडिंग कपल की बात करते हैं तो बेंडिंग कपल कैसा होगा, अगर आप सपोज कर लो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. दिस इज अ बीम, एक बीम लिया हमने, ठीक है ना, एग्जांपल ऑफ बीम. ये बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन, बीम के बारे में भी हम लोगों ने देखा है बेसिक लेक्चर्स में कि बीम को जो रिप्रेजेंट करता है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम. और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होती है पोलर एक्सिस के कोइंसाइड होती है और हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंटर से पास होती है. इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस और लाइन. ओके, तो यहां पर देखते हैं, एक क्रॉस सेक्शन चूज करते हैं थ्री डायमेंशन में. अगर सपोज करते हैं कहीं पर भी बेंडिंग कपल जनरली जो होती है, जनरली नहीं, बेंडिंग कपल जो होती है वो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्सियल लोड के कारण होती है. ओके, तो जो अगर आप सपोज कर लो एक लोड मैं यहां पे लगाता हूं, अगर मैंने लोड लगाया, एक लोड यहां पर अप्लाई किया, दिस इज पी लोड. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो पी लोड. ओके, एंड दिस इज सेपरेटेड बाई अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी. दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज डी. ओके, डी. तो इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड और नॉर्मल लोड. नॉर्मल लोड क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन और पैरेलल टू द, देखो दो तरह की होती है, एक एसेंट्रिक एक्सियल लोड होती है. एसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होती है, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. और जो एक्सियल लोड होती है वो कैसी होती है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. बट यहां पर जो हम देख रहे हैं पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, टू इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लोड्स. तो ये दोनों नॉर्मल लोड मिलके इस बीम को बेंड कराएंगे. सिंपल सी बात है, अगर आप देखो तो क्रॉस सेक्शन अगर मैं इधर दिखाता हूं, क्रॉस सेक्शन अगर इधर आप देखते हो, दिस इज क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज, ये क्रॉस सेक्शन पर आप लोगों को जब मैंने लोड बताया था तो लोड में क्रॉस सेक्शन पर इसे एक्स एक्स और इसे वाई वाई एक्सिस हम मान के चलते थे. दिस इज वाई वाई एक्सिस. अगर अब आप इसे थोड़ा सा इमेजिन करो इस बीम पर कि क्रॉस सेक्शन ऐसे है और क्रॉस सेक्शन पर जो लोड्स लग रहे हैं ये आउटवर्ड लोड है. आउटवर्ड लोड कैसा होता है, दिस इज पॉइंट, यहां पर इसे पॉइंट से डिनोट करेंगे. और ये लोड कैसा है, दिस इज क्रॉस. दोनों की वैल्यू क्या है, पी, बोथ आर पी. एंड द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज डी, दिस इज द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो ये इसे क्या करेगा, क्रॉस सेक्शन, अब ये इसे बेंड कराएगा. इन किस प्लेन में बेंड कराएगा, अगर आप सपोज करो तो ये जो प्लेन होगी जिसमें इस बीम की बेंडिंग होगी, इस बीम की बेंडिंग, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसकी जिस प्लेन में बेंडिंग होगी वो प्लेन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन होगा. अब देखो सबसे बड़ी बात आती है कि किस एक्सिस के अबाउट इसमें बेंड हो रहा है. तो अगर आप देखना चाहो तो ये वाई एक्सिस पर दोनों लोड लग रहे हैं, बोथ लोड्स आर अप्लाइड ऑन द वाई एक्सिस. तो ये कभी भी बेंड होगा तो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा. मतलब सिंपल सी बात है कि अगर क्रॉस सेक्शन पे अगर आप देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन पे अगर कोई भी नॉर्मल लोड्स लगे हुए हैं इक्वल एंड अपोजिट, अगर वो बेंडिंग कपल क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आप सपोज करो कि सेम यही क्रॉस सेक्शन है, सेम क्रॉस सेक्शन है, अगर मैंने लोड कहां लगा दिया, अलोंग
x-axis. This is x-axis and this is y-y. Clear सी बात है, this is x-axis and this axis is y-y. अगर मैंने load यहाँ पर लगा दिया, this is and this, ये load हमने लगा दिया PP, तो अब इसमें जो bending होगी, ये bending किस axis के along होगी? आपको देखो visualize आप आसानी से कर सकते हो, तो ये किस axis के along होगी bending? इसमें bending जो होगी, वो along y-axis होगी. तो simple सी बात है, जिस axis पर load लगेगा, centroidal axis, दो एक्सिस जो है वो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में होते हैं और एक क्या होती है परपेंडिकुलर होती है. तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस को अभी आप भूल जाओ, केवल आपको देखना है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो दो एक्सिस हैं उन दोनों एक्सिस में किस एक्सिस पर लोड लगे हैं जो कपल क्रिएट कर रहे हैं. तो इसमें अगर आप देख रहे हो कि ये लोड वाई एक्सिस पर लग रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पर अप्लाइड है, तो इसकी जो बेंडिंग होगी वो अलोंग x एक्सिस होगी और इसमें x एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स है तो इसमें जो बेंडिंग होगी अलोंग y एक्सिस. और बेंडिंग कपल का जो प्लेन होता है, प्लेन ऑफ द बेंडिंग कपल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, ट्विस्टिंग कपल में यही चीज अपोजिट होती है. ट्विस्टिंग कपल का प्लेन ऑफ ट्विस्टिंग कपल इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट बेंडिंग कपल द प्लेन ऑफ बेंडिंग कपल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, तो यहां पर ये बेंडिंग कपल क्रिएट होगी और इस बेंडिंग कपल को अगर मुझे इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बना करके बेंडिंग कपल को शो करना है तो किस तरह से करेंगे. यहां पर आपको एक बेंडिंग मोमेंट मिल रही है, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, किस तरह की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर आप यहां पर देखो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी इंटू डी, दिस इज द कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट. आप किसी भी पॉइंट से देखो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. आप किसी भी पॉइंट से अगर देखते हो, यहां पे किसी भी पॉइंट से अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू पी इंटू डी ही रहनी है, बिकॉज कि यहां पर लोड नहीं लगा है. अगर वही ट्रांसवर्स शियर लोड होती तो मोमेंट की वैल्यू आपकी चेंज होते जाती. दैट्स व्हाई कपल इज अ फ्री वैक्टर. इज इट ओके? तो कुछ डेफिनेशन देखते हैं बेंडिंग कपल के. बेंडिंग कपल के डेफिनेशन, बेंडिंग कपल को कितने तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कपल इज said to be a bending couple, when plane of couple is perpendicular to the plane of cross section, ठीक है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, दैट इज बेंडिंग कपल इज अ नॉर्मल लोड. बेंडिंग कपल इज अ नॉर्मल लोड. कभी भी एक चीज ध्यान रखना, इक्वल एंड अपोजिट शियर लोड, शियर लोड आपको बेंडिंग कपल नहीं देता है. कभी भी बेंडिंग कपल जो क्रिएट होगी वो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लोड के कारण नहीं होगी. इसीलिए बेंडिंग कपल क्या है, आप यहां पर देखो, पहला डेफिनेशन अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था. फर्स्ट डेफिनेशन में अगर आप देखते हो तो क्या लिखा है, अ कपल इज सेड टू बी बेंडिंग कपल व्हेन प्लेन ऑफ कपल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर. और परपेंडिकुलर होने के कारण ये किस टाइप का लोड आता है, दिस इज अ नॉर्मल लोड. ओके, अब इसका सेकंड डेफिनेशन हमारा क्या हो सकता है, अगर देखो आप तो जो कपल है, देखते हैं, अ कपल इज सेट टू बी अ बेंडिंग कपल, व्हेन प्लेन ऑफ कपल इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर, कभी भी क्लियर सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. और जब प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर कोई भी चीज होगी तो वो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ही होनी है. ओके, तो बेंडिंग कपल इज, अ कपल इज सेड टू बी अ बेंडिंग कपल व्हेन प्लेन ऑफ कपल इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर. एंड थर्ड डेफिनेशन क्या हो सकता है, अ कपल इज
A couple is said to be a bending couple. A bending couple when it is acting. When it is acting about a centroidal axis. About a centroidal axis which is in the plane of cross section, that is either about horizontal centroidal axis or vertical. Okay, किसी भी एक्सिस, अभी आपने यहां पर देखा बेंडिंग कपल ऑलवेज हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट द हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस और अबाउट द वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस. सिंपल सी बात है, जिस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस पर लोड लगेगा, जिस सेंट्रोइडल एक्सिस पर लोड लगेगा जो कि इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में है, उसके जस्ट अपोजिट, उसके मतलब दूसरे एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी. क्लियर? अब यहां पर देखते हैं कुछ चीजें. जैसे आपने ट्विस्टिंग कपल में देखा था कि ट्विस्टिंग कपल की, जहां पर हम प्योर ट्विस्टिंग की बात करते हैं, वहां पर जहां पर ट्विस्टिंग कपल आता है वहां पर हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया की बात करते हैं. और यहां पर जब बेंडिंग कपल की बात आएगी तो वो किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया. क्यों? क्योंकि वो जो अबाउट था, अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो ट्विस्टिंग कपल जो हो रही थी वो किसके अबाउट हो रही थी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट हो रही थी. और यहां पर अगर आप देखो तो बेंडिंग कपल जो है वो अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, द सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, विच इज इन द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट्स वाई कभी भी जब हम बेंडिंग कपल की बात करेंगे तो वहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया की बात करेंगे. ठीक है, तो वन नोट इज हेयर. नोट, व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू, when a member is subjected to bending in vertical plane moment of inertia should be considered about the horizontal centroidal axis and vice versa. सिंपल. स्टार्टिंग में भी बात बोला कि अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर बेंडिंग हो रही है तो आप किसके अबाउट लोगे? व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इन वर्टिकल प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी कंसिडर्ड अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड वाइस वर्सा. ओ सॉरी, वाइस वर्सा. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट नोट, दिस इज द फर्स्ट नोट एंड दिस इज सेकेंड नोट, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट. अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग कपल्स when a plane of couple is in the oblique plane. ये चीजें जो है, और जब आपका मेंबर जब कंबाइंड लोडिंग के कंडीशन में आता है तो आप क्या लोगे?
ऑब्लिक प्लेन पर ही होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं, मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग कपल व्हेन अ प्लेन ऑफ कपल इज इन द ऑब्लिक प्लेन, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे फिफ्थ चैप्टर में, जहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की जहां बात हम करेंगे, वहां पर इस चीजों को आप विजुअलाइज कर सकते हैं सिंपल। जहां पर मोहर सर्कल्स वगैरह की स्टडी हम करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन जहां पर देखेंगे, वहां पर असली ऑब्लिक प्लेन की बात हम करेंगे। इसलिए कि वो चैप्टर ही हम जो देखते हैं, वो कंप्लीट चैप्टर जो होती है वो कंबाइंड लोडिंग के कंडीशन में ही होती है। और कंबाइंड लोडिंग होती है कि कोई भी मेंबर पर सीयर स्ट्रेस एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेस दोनों डेवलप हो रहा है, दैट इज द कंबाइंड लोडिंग कंडीशन। तो वो चीजें बात की है, तो इस नोट को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बाकी चीजें आप आगे इस चीज को एक्सप्लेन मैं करूंगा और आपको ये चीजें आगे समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर एक्सियल लोडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्योर एक्सियल लोडिंग। व्हाट इज प्योर एक्सियल लोडिंग? सबसे बड़ी बात होती है कि प्योर एक्सियल लोडिंग क्या होती है। प्योर एक्सियल लोडिंग का मतलब यह नहीं है कि केवल मेंबर पर एक्सियल लोड्स ही लगे हैं। आप अगर ये बात कहते हो कि कोई भी मेंबर है, अगर मैं सपोज करूं, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखते होंगे जिसमें केवल एक्सियल लोड्स लगे हैं, आप लोग लोड समझ चुके हो, तो केवल एक्सियल लोड लगे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंबर प्योर एक्सियल लोडिंग में है, ठीक है। प्योर एक्सियल लोडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी मेंबर है उस पर केवल एक्सट्रीम एंड्स पर लोड लगे हैं, मतलब कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द लोड विल बी कॉन्स्टेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड अ प्योर एक्सियल लोडिंग। अगर आप यहां पर सिंपल एक एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर, दिस इज अ मेंबर, अगर कोई भी मेंबर मैं लेता हूं, ध्यान से आप लोग इस चीज को एक बार समझ जाओगे फिर लोडिंग बेंडिंग सब में इसका यूज आएगा। दिस इज अ मेंबर, दिस इज अ मेंबर, ओके। इस मेंबर पे मैं क्या लगा रहा हूं, अ लोड, पी इज अप्लाइड हेयर एंड पी इज अप्लाइड हेयर, ओके। दिस इज ए, पॉइंट ए, एंड दिस पॉइंट इज बी, द डायमीटर ऑफ दिस मेंबर इज डी, डायमीटर इज डी एंड द लेंथ ऑफ दिस मेंबर इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ द मेंबर, ओके। एक्सट्रीम एंड्स पे लोड लगे हुए हैं। अब हमें जो एनालाइज करना है इसमें, सिंपल एनालिसिस पर अगर आते हैं, तो अगर आप देखो कोई भी सेक्शन इस मेंबर में कहीं पे भी कोई भी सेक्शन लेते हैं, अगर आप सपोज कर लो मैंने यहां पर एक सेक्शन लिया, दिस इज एक्स एक्स सेक्शन, तो एक्स एक्स सेक्शन पर लोड कितना लग रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, पी एट ए इज इक्वल टू पी, पी एट बी इज इक्वल टू पी, लेकिन पी एट सेक्शन एक्स एक्स is equal to how much? तो by using section method क्या कहते हैं? सबसे पहले दो चीजें मैं बताऊंगा, एक तो section method सिखा रहा हूं, फिर कहां पर sign convention use करने और कहां पर आपको ऐसे ही arbitrary sign convention लेकर के आप use कर सकते हैं, वो दोनों conditions आपके mind में clear होना चाहिए। एक तो सबसे पहले section method की बात करते हैं, कोई भी section अगर उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड के फोर्सेस का सम अप कर लेते हैं टोटल, ठीक है, तो सेक्शन मेथड कहते हैं एज पर द मेथड ऑफ सेक्शन लोड एक्टिंग एट Any cross section is equal to algebraic sum of corresponding loads. either on the LHS
और RHS of the cross section, RHS of the cross section. Simple सी बात है, either right hand side or left hand side. The summation of forces gives the value of force on that cross section. अब देखो simple सी बात है, यहाँ पर जब हम as per the method of section, section method is very important. This method is very important method because इस मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस मेथड का मैं आगे भी यूज करूंगा बिकॉज कि जब हम प्योर बेंडिंग की बात करेंगे, प्योर ट्विस्टिंग की बात करेंगे तो वहां पर भी इस मेथड का हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं. तो यहां पर अगर आप देखते हो, एज पर द मेथड ऑफ सेक्शन, लोड एक्टिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लोड्स आइदर ऑन द LHS और RHS ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब हम फोर्सेज का समीशन करते हैं आइदर ऑन द LHS और RHS, तो यहां पर एक साइन कन्वेंशन की बात हम करते हैं. अब देखो जैसे यहां पर XX क्रॉस सेक्शन है, इसके राइट हैंड साइड में हम बात करें या लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में टोटल, अगर एक साइड में किसी एक साइड की भी बात करेंगे तो दूसरे साइड की जब आप करोगे तो उतना ही आना है. तो इधर देखो, तो PXX, अगर मैं PXX की बात करता हूं, मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं, तो राइट हैंड साइड में कितना है, एक फोर्स है P, यानी कि XX सेक्शन पर कितना लोड लग रहा है, दिस इज P. और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी बात करता हूं तो एक्स एक्स सेक्शन पर कितना लोड लग रहा है, पी. ये इक्विलिब्रियम में भी है और इस एक्स एक्स सेक्शन पर लोड कितना है, पी है. आप कहीं पर भी कोई सा भी सेक्शन लेंगे, यहां पर ले लिया तो ये एक्स एक्स सेक्शन तो कहीं पे हो सकता है. तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द लोड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड इज कॉन्स्टेंट. ओके, कभी भी एक चीज ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की जब बात करते हैं, तो जब हम RHS से सम करते हैं, जब हम RHS के साइड में सम करते हैं, राइट हैंड साइड में अगर टोटल समीशन कर रहे हैं तो उसमें किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड में सम कर रहे हैं तो उसमें किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है. तो फॉर RHS राइट हैंड साइड टुवर्ड्स राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है. एंड फॉर LHS टुवर्ड्स लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव. इट मीन्स जब लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो तो टुवर्ड्स लेफ्ट इज पॉजिटिव, एंड जब राइट हैंड साइड का अगर सम कर रहे हो तो टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा, कि टुवर्ड्स राइट में जितने फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव होंगे अगर राइट हैंड साइड का सम कर रहे हो. दोनों साइड से करोगे तो फोर्स बराबर आएगा, विद डायरेक्शन आएगा. अगर नेगेटिव आता है तो यानी कि आपने जिस डायरेक्शन से सम किया है उसका अपोजिट, यानी कि अगर इसमें आप मानो ये पी था, पी फोर्स थी, तो इधर भी टेंसाइल है, पॉजिटिव आई तो टेंसाइल ही आ रहा है. क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे भी आपका क्या आ रहा है, प्लस ही आ रहा है. अब एक चीज सबसे बड़ी बात है कि इस प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन में क्या क्या चीजें होंगी. प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन में एक्सियल लोड डायग्राम कांस्टेंट होगी. अगर आप यहां पर देखते हैं फिर से एक बार, तो अगर मैं यहां पर इस डायग्राम की बात करता हूं, इस डायग्राम की अगर हम जिक्र करते हैं तो यहां पर क्या लोड लगा है, पी. यहां पर भी लोड क्या लगा है, पी. लेंथ ऑफ द मेंबर इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ द मेंबर, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द मेंबर. अगर आप बात करते हैं, दिस इज प्योर एक्सियल लोडिंग बिकॉज की थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द लोड विल कॉन्स्टेंट. पूरा का पूरा लोड क्या है, कॉन्स्टेंट है. ए और बी सेक्शन पर थ्रू आउट द ए एंड बी लोड इज कॉन्स्टेंट. तो इसका जो एल डी होगा, एल डी जो होगी वो कैसी होगी, अगर आप एल डी की बात करते हो एक्सियल लोड डायग्राम की, तो एल डी इज कॉन्स्टेंट एंड पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. जब आपने देखा एक्स एक्स सेक्शन पे, तो इधर अगर इस मेंबर का देख रहे हो, इस मेंबर का राइट हैंड साइड क्या है, बी है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए है, तो दोनों पर क्या है, पॉजिटिव है. तो दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा. अगर आप एक्स एक्स सेक्शन पे भी जब आपने देखा तो वो कैसा आया था, टेंसाइल आया था, तो दिस इज पॉजिटिव ए बी, एंड थ्रू आउट द मेंबर दिस इज कॉन्स्टेंट बिकॉज ए पर कितना है, पॉजिटिव पी. थ्रू आउट द बी क्या हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट जा रहा है और बी पर एक पी लगा हुआ है. देन आप अगर एक इधर से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करते हुए जा रहे हो एडिशन, तो ये तो उसके लिए नेगेटिव होगा ना, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस. ओके, ये सब चीजें आगे और क्लियर होती जाएंगी. एसएफडी इसका कैसा होगा, जीरो.
शियर फोर्स डायग्राम इज जीरो, एसएफडी जीरो, बिकॉज देयर इज नो शियर फोर्स इन दिस मेंबर. बीएमडी क्या होगी, वो भी जीरो, देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है. एंड टीएमडी इज ऑल्सो जीरो, सॉरी टीएमडी इज ऑल्सो जीरो, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम. बिकॉज की इन प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन केवल क्या होगा आपका, एक्सियल लोड डायग्राम होगा, ठीक है. और प्योर एक्सियल लोडिंग, बार बार ये बात बोल रहा हूं, प्योर एक्सियल लोडिंग में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द लोड विल कॉन्स्टेंट. अब यहां पर अगर आप प्योर एक्सियल लोडिंग के कुछ डेफिनेशन पे अगर जाते हैं स्टेटमेंट पे, तो उसको भी देख लेते हैं. स्टेटमेंट क्या है, अ मेंबर इज सेड टू बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, अ मेंबर इज सेट टू बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट एक्सियल लोड्स इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल लोड रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर. That is, shear force is equal to zero, bending moment is equal to zero, twisting moment is equal to zero, and axial load is equal to constant. कहीं चेंज ही नहीं होगी, ठीक है. प्योर एक्सियल लोडिंग में कहीं चेंज नहीं होती है. और दो चीजें, प्योर एक्सियल लोडिंग जब आ गया तो आप यहां पर क्या देख सकते हो, अगर मैं स्ट्रेस की बात करता हूं, यहां पर सिग्मा ए, दिस इज एक्सियल स्ट्रेस, सिग्मा ए एक्सियल स्ट्रेस, एंड देन सिग्मा ए इज इक्वल टू पी बाई ए. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं शुरू से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये बात बोलता हूं कि जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं वो प्योर के कंडीशन में करते हैं. सिग्मा ए इज पी बाई ए, दिस इज अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकेंड वन इज डेल डिफॉर्मेशन, दिस इज एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू PL over AE. This is equation second. इन दोनों equations को use करने का तरीका, कब हम इन दोनों equations को use करेंगे तो वो भी देख लेते हैं. Conditions to be satisfied for the above two equations. First condition is this is very important. Bar should be prismatic. पहली बात कि बार कैसा होना चाहिए, प्रिज्मेटिक बार होना चाहिए. कंडीशन, इन दो फॉर्मूले को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहीं पर भी इन दो फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं. ये फॉर्मूले वहीं पर यूज होंगे जहां पर ये इन कंडीशंस को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. सेकंड, बार शुड बी अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग, अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग. एंड थर्ड कंडीशन इज बार should be made of
सेम मटेरियल ठीक है. दिस थ्री कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजिंग दिस टू फॉर्मूलाज. ओके एंड इन फॉर्मूले को हम वहीं पर यूज कर सकते हैं जहां पर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह पर इन फॉर्मूले का यूज कर दोगे. अगले लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, प्योर एक्सियल लोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे और बहुत ही सिंपल वे में उनको सॉल्व करेंगे. ओके थैंक्स.